ऑलराइट, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बबल में स्लग्स क्या है और हम स्लग्स को कहाँ और कैसे यूज करते हैं, राइट? अगर आप इस यूआरएल में देखोगे तो आपको दिखेगा कि देखो यूआरएल के एंड में एक यूनिक आईडी एडेड है, राइट? जो डेटा है उसका यूनिक आईडी एडेड है। अब ये यूनिक आईडी देख के तो मैं ये नहीं बता सकता कि ये पेज किसके बारे में, राइट? अनटिल अनलेस मैं पेज के कंटेंट विजुअली ना देखूँ, है ना? और ये ना ही कोई क्लीन यूआरएल है, राइट? ऐसे यू आर एल्स दे आर नॉट एस ई ओ फ्रेंडली, क्योंकि इवन जो एस ई ओ इंजिनस हैं उनको भी नहीं पता कि ये कंटेंट किसके बारे में। तो क्या मैं इसको एक टेक्स्ट से चेंज कर सकता हूँ? नॉट टेक्निकली टेक्स्ट, स्लग देखो, स्लग एक्चुअली आपको एक यूनिक टेक्स्ट आईडी ऐड करने का ऑप्शन देता है, जो स्लग अगेन एक यूनिक वैल्यू होता है, राइट? और वो वैल्यू आप आपकी यू आर एल में दिखा सकते हो, राइट? अब देखते हैं कि ये कैसे करेंगे। अब लेट्स गो टू डेटा बेस। डेटा बेस में मैं गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपको स्लग का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है? स्लग बाई डिफॉल्ट क्रिएटेड एट्रीब्यूटेड है, एट्रीब्यूट है बबल के साइड से। और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ जैस टेस्ला मॉडल 3। आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, ये हमेशा लोअर केस में होगा, स्पेस नहीं होगा एंड हाइफन होगा। इन केस अगर आप कुछ गलत भी डाल देते हो तो वो वैल्यू एंटर नहीं होगा, तो आपके एरर आ जाएगा, ठीक है? मॉडिफाइंग यहाँ पे बता देगा कि यही सब आप डाल सकते हो, ठीक है? तो उस केस में मैं स्पेस हटा देता हूँ, हाइफन डाल के इसको सेव कर देता हूँ। एंड देन अब यहाँ जाके इस आईडी को हम चेंज कर देते हैं जो हमने वहाँ पे प्लग एंटर किया, राइट? टेस्ला मॉडल 3, एग्जैक्टली। अब देखो, अब इस केस में आपको दिख गया कि स्लग के साथ जितने भी कंटेंट उस स्लग के साथ एसोसिएटेड है वो इस पेज में लोड हो गया। ऑलराइट, तो हमने अभी देखा कि मैनुअली कैसे स्लग ऐड कर सकते हैं, राइट? जैसे डेटाबेस में जाके एडिट करके एंड देन स्लग ऐड करना। अब इसको वर्क फ्लो के थ्रू ऑटोमेट किया कैसे जा सकता है? जैसे मैं एक कुछ नया आइटम क्रिएट कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसका स्लग में मैं वर्क फ्लो में ही सेट कर दूँ, राइट? तो वो देखते हैं। चले जाता हूँ एडिटर में और जल्दी से एक वर्क फ्लो सेटअप कर देता हूँ, राइट? मैंने सारे इनपुट बॉक्स ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, राइट? तो क्या क्रिएट हो रहा है? एक नया कार क्रिएट हो रहा है, राइट? अब आप यहाँ पे ध्यान देना कि देखो, जब एक आइटम क्रिएट हो रहा है, राइट, तो आप वहाँ पे स्लग नहीं सेट कर सकते। क्रिएशन के टाइम में स्लग नहीं सेट होता है, हमेशा एक आइटम क्रिएट होता है, राइट? और उसके बाद आप स्लग सेट करते हो उसके लिए। अब जैसे इस केस में एड रिक्वायर्ड डायनामिक वैल्यूज, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं जो स्टेप 1 में जो आइटम क्रिएट हुआ था उसके लिए स्लग सेट कराऊंगा, राइट? अब जैसे स्लग सेट ए थिंग स्लग, किसके लिए स्लग सेट हो रहा है? कार के लिए स्लग सेट हो रहा है जो स्टेप 1 में क्रिएट हुआ था, राइट? रिजल्ट ऑफ स्टेप 1। और स्लग यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, या तो मैं चाहता हूँ कि उस जो नाम है कार का उसी को स्लग बना दो, तो उसको इसमें इनपुट नेम्स वैल्यू दे दिया, ठीक है? अल्टरनेटिवली अगर आप चाहते हो कि आप कुछ अलग स्लग, मतलब कुछ कस्टम स्लग सेट कर रहे हो, तो आप उसके लिए इनपुट बॉक्स दे सकते हो या जैसे भी। तो इस पर्टिकुलर यूज केस में जो कार का नाम है मैं उसी को स्लग ऐसे स्लग मान रहा हूँ, राइट? ताकि मुझे अलग से स्लग सेट ना कर पाए। तो अगर आप पॉपअप देखोगे तो मैंने स्लग के लिए भी एक इनपुट बॉक्स यूज किया है, लेकिन मैं वो यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखते हैं कि जो हमने किया है वो काम कर रहा है कि नहीं, राइट? तो एड न्यू कार, कार नेम BMW i4, कार डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है वेबसाइट जहाँ से मैं ये उठा लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, फोटो भी डाउनलोडेड है, लेट्स पिक दिस फोटो। राइट, और इसको कर दिया क्रिएट। अब देखते हैं डेटाबेस में जाके, देखो आइडियली एक आइटम क्रिएट होने के बाद वो पॉपअप हाइड भी होना चाहिए, हमने बस यहाँ पे ऐड नहीं किया। मैं यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से वी शुड ऑलवेज हाइड ए पॉपअप जब भी वो वर्क फ्लो खत्म हो जाता है, राइट? बट ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, डेटा में जाके लेट्स सी यहाँ पे कि स्लग क्रिएट हुआ कि नहीं। देखो ऑटोमेटिकली स्लग क्रिएट हो गया, और यहाँ पे जो स्पेस था उसमें
बबल ने ऑटोमेटिकली हाइफन डाल दिया, राइट। तो आपको वो उस जब आप वर्कफ्लो में क्रिएट कर रहे हो, आपको वो सब ध्यान नहीं देना है कि लोअर केस में है या स्पेस है या नहीं है ना, बबल ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देगा, ठीक है। अब इस लग को मैं कॉपी करके प्रीव्यू के यहाँ डाल देता हूँ, एंड देन देखता हूँ कि मेरा कंटेंट लोड हो रहा है कि नहीं। परफेक्ट, राइट। तो आपको दिख गया कि जैसे मैंने स्लग चेंज किया, यहाँ पे BMW i4 का डेटा लोड हो गया, राइट। और एक चीज आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आपका पेज का टाइप ऑफ कंटेंट है, दैट शुड मैच विद जो स्लग आप सेट कर रहे हो, राइट। तो अब जैसे टाइप ऑफ कंटेंट कार्स है, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये पेज एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस पेज में कार्स का डेटा फेड इन किया जाएगा, राइट, जब ये पेज लोड हो रहा है। तो हमेशा कार का ही स्लग वहाँ पे डिस्प्ले होगा, मतलब यू कांट एक्सपेक्ट कि आप कोई और डेटा का स्लग URL में एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट। जो भी टाइप ऑफ कंटेंट होगा पेज का, उसी का स्लग आप URL में दिखा सकते हो। वेल उतना ही है, इन केस अगर आपको कोई डाउट है स्लग्स में तो आप कमेंट में डाल दीजिए, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।